जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमजोर है उसको इंसाफ नहीं मिलता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई कि कमजोर जब चोरी करे वो जेल में और ताकतवर जब चोरी करे तो उसको एनआरओ मिल जाए, उसको पकड़े ना। जो आज यहाँ हमारे मुल्क में उन्होंने तब कहा था कि कौमें तबाह हो जाती है। मुल्क फिर से माफिया के जेरे एताब है, जहाँ हर जानब फस्तायत है, इदारों पर गैर कानूनी दबाव है, आइन पामाल और कानून यरगमाल है, लीडर नाहक कैद में है। कौम पे फर्ज है इनका खिलाफ खड़े हो, इनका मुकाबला करो। अल्लाह ने कहा है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। अगर एक कौम भेड़ बकरियों की तरह रहना चाहती है अल्लाह वैसे रखेगा। मगर अवामी शऊर मुकम्मल बेदार है, खौफ के बुत टूट गए हैं, आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई है। वजह सिर्फ अवामी ताकत है, बाशऊर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। इस जबरे नाहक के खिलाफ मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी अवामी रैली में शिरकत के लिए तैयार रहें। 31 मार्च 2024 बरोज इतवार दिन 2 बजे पिशावर, आपका जनून आपके लीडर की हिम्मत है। इसी जज्बे और लगन से इमरान खान को माफिया की नाहक कैद से आजाद कराएं, निकलें, आवाज उठाएं। मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आपको अपने हकूक के लिए, अपनी हकीकी आजादी के लिए सबको निकलना पड़ेगा। कभी भी किसी कौम को प्लेट में आजादी नहीं पकड़ाई जाती, आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आजादी के लिए।